नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कपड़े की दुकान पर की कार्रवाई, उमरेड में संक्रमितों की संख्या घटी, देवलापार क्षेत्र में बेमौसम बरसे मेघ। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कपड़े की दुकान पर की कार्रवाई, 11 बजे के बाद कपड़े की दुकान वाला बाहर से ताला खोलकर अंदर से कारोबार करते दिखाई देने पर पुलिस कर्मचारियों ने उस पर कार्रवाई की। देवलापार में लॉकडाउन के चलते सुबह 7 से 11 बजे तक ही दुकानें को खुली रखने की अनुमति के चलते 11 बजे के बाद कपड़े की दुकान वाला बाहर से ताला खोलकर अंदर कपड़े की खरीदारी करते हुए ग्राम पंचायत का पतक दल पुलिस कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ रंगे हाथ मिलने पर ग्राम पंचायत ने उसे 2000 रुपए का चालान कर कार्रवाई की। गौरतलब है कि इस लॉकडाउन में सिर्फ अति आवश्यक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उसके बावजूद कई ऐसी दुकानें है जो अति आवश्यक दुकानों में नहीं आती है। वह अक्सर आधा शटर खोलकर अपनी दुकानदारी कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वही दूसरी ओर उमरेड में संक्रमितों की संख्या घटी। उमरेड तथा ग्रामीण में दिनों दिन फैलते जा रहे कोरोना संक्रमण महामारी पर कुछ कमी आती नजर आ रही है। बुधवार को जांच में सिर्फ 9 कोरोना संक्रमित पाए गए, इसमें उमरेड शहर के 2 तथा ग्रामीण के 7 मरीजों का समावेश है। उमरेड में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 503 पाई गई, इसमें उमरेड शहर के 155 तथा ग्रामीण में 348 कोरोना एक्टिव मरीज पाए गए। उमरेड में कोरोना से मुक्त मरीजों की संख्या 6245 पाई गई, इसमें उमरेड शहर में 3321 तथा ग्रामीण में 2924 कोरोना से मुक्त मरीज पाए गए हैं। उमरेड में कोरोना से मौत की संख्या अभी तक 131 है। तो वही तीसरे और देवलापार क्षेत्र में बेमौसम बरसे मेघ। इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। बादलों की गरज के साथ झमझम बारिश हो रही है। ग्रीष्म के इन महीनों में बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ झमझम बारिश ने सभी को अचरज में डाल दिया है। आए दिन दोपहर से ही मौसम करवट लेकर अपना रुख साफ कर देता है। संध्या होने तक तेज हवाओं के साथ आसमानों में काले बादल अपना ढेरा जमाना प्रारंभ कर देते हैं। काफी समय तक तेज हवाएं चलती है तथा भारी मेघ गर्जना व बिजली की चमक के साथ झमाझम वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इस वर्ष मौसम की बेरुखी से सभी हैरान है। गर्मी का मौसम समाप्ति पर है, किंतु इस वर्ष ग्रीष्म का प्रकोप कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब तो नवतपा भी शुरू होने वाला है। बीच बीच में मौसम में होने वाली परिवर्तन के कारण इस वर्ष गर्मी से लोगों को कम ही जूझना पड़ा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।